झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में रांची, कांके, खिजड़ी, हटिया ऐसी सीटें हैं जो कई मायनों में दिलचस्प है। अगर अतीत के आईने में झांके तो पता चलता है कि इन चार सीटों से कभी किसी महिला उम्मीदवार को जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। झारखंड की तमाम 81 विधानसभा की सीट में राजधानी रांची, कांके, खिजड़ी और हटिया ऐसी सीट है जो कई मायनों में दिलचस्प है। अगर अतीत के आईने में झांके तो पता चलता है कि इन चार सीटों से कभी किसी महिला उम्मीदवार को जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया है। अब इस जानकारी को आंकड़े से समझते हैं। इन तमाम सीटों पर इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पर नजर डाले तो रांची सीट पर 1,46,912, कांके सीट पर 1,79,161, खिजड़ी सीट पर 1,50,334 तो वही हटिया सीट पर 1,93,779 महिला मतदाता है। बावजूद इसके आज तक कोई महिला उम्मीदवार इस वोट के सहारे जीत नहीं पाई है। जीत तो दूर, इन सीटों पर सबसे अधिक वोट एक महिला प्रत्याशी के तौर पर सीमा शर्मा को साल 2014 के विधानसभा चुनाव में हटिया सीट से मिला था। उनको मिले वोटों का आंकड़ा 79,946 था, जबकि दूसरे पायदान पर जेएमएम की महुआ मांझी थी जिन्हें रांची सीट से 2014 में ही 36,851 वोट मिले थे। हालांकि इस बार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या में पिछले चुनावों से इजाफा हुआ है। देखिए ऐसा है ना कि कोई भी पार्टी उस प्रत्याशी माने उसे ही अपना प्रत्याशी बनाती है जो उनको जीत की गारंटी दे। यहाँ पर मैं कोई भेदभाव नहीं करना चाहती, महिला पुरुष हम लोग तो बराबरी की बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ भी मैं बराबरी की बात कर रही हूँ कि पार्टी तभी देगी टिकट महिलाओं को। इस ये में नहीं रहना चाहिए कि हम पर दया करेगी देगी, कोई किसी पर दया नहीं करता है, अपना अधिकार छीन लेना पड़ता है। इन आंकड़ों से ये तो तय है कि आधी आबादी को अभी भी अपने बीच से उठे आवाजों में ये यकीन नहीं कि लोकतंत्र के मंदिर में उनकी आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद हो सके। कैमरामैन दीपक के साथ सैयद शारिफ इब्राहिम, न्यूज़ 11 भारत, रांची।